दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए ये शेखर संचेती हैं जिन्होंने थाना सिविल लाइन्स पर एक रिपोर्ट दी थी और एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि आरोपियों के खिलाफ ये प्रकरण दर्ज करवाया है कि मेरे फर्जी करारनामा तैयार किया था आभूषणों की एक लिस्ट तैयार की थी वो फर्जी थी और कुछ बिल्स तैयार किए थे। एक ऐसा प्रकरण हमारे थाने पर दर्ज हुआ था जिसका पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान के क्रम में हमने इन डॉक्यूमेंट्स जो विवादित बताए हैं जिनके ऊपर फर्जी हस्ताक्षर होना परिवादी ने बताया है तो इस पर हमने इसकी FSL करवाई थी और FSL रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव से तात्पर्य है कि आरोपियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे तो बाद अनुसंधान हमने कल उनको गिरफ्तार किया है। मुलजिमों का नाम सुशील कुमार खींसरा और रमेश चंद सोनी है। इसी दौरान जब हम प्रकरण में इन मुलजिमों की गिरफ्तारी करने गए थे तो जो मुलजिम है सुशील कुमार खींसरा इसके द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ धक्का मुक्की की गई उसके साथ राजकार्य में बाधा पहुंचाई जिसका हमने प्रकरण अलग से कोतवाली थाने पर दर्ज करवाया। कितने आरोपी हैं टोटल? देखिए टोटल अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है 3 आरोपी अन्य हैं जिनमें जिनकी हाईकोर्ट में नो कोरेप्सी एक्शन लिखा हुआ है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं पहले ही मामला है या इससे पहले? इनके कुछ दोनों ही परिवादी अपरिवादी के प्रकरण पुलिस के पास चल रहे हैं जिनमें पूर्व जो प्रकरण है उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। ये जो मामला था फर्जी हस्ताक्षर करने का था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कुछ आभूषणों की लिस्ट थी वो फर्जी बनाई गई थी। तो कितने के आभूषण है कितने के डॉक्यूमेंट? ये लगभग टोटल उन्होंने 8 करोड़ रुपए का बताया था। विजुअल तो गए कोर्ट में पेश होने के लिए आप चाहो तो अरे तो बाहर से बाहर तो आएंगे ना जैसी तो जाएगा बिल्कुल तुम्हारे कबूल की पेशी करेंगे नहीं अभी निकलने वाला।